इसराइल हमास युद्ध को महीनों बीत गए हैं। इस युद्ध का अंजाम लेबनान को भी भुगतना पड़ रहा है। इसराइल के लेबनान में किए गए हवाई हमले में एक ही दिन में करीब 500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी, तो वहीं 1600 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। लेकिन अब भी इसराइल या फिर हिजबुल्ला हार मानने को तैयार नहीं है। इसराइल हिजबुल्ला के खात्मे के लिए लगातार हमले कर रहा है, लेकिन इन हमलों के कारण जहां सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं लाखों जिंदगियां अब भी दांव पर लगी हुई हैं। लेबनान के लोग इसराइल से हमला रोकने की अपील कर रहे हैं, लेकिन हिजबुल्ला के कारण इसराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेबनान में एक ही दिन में मौत के आंकड़े 1975 से 90 के गृह युद्ध के अंत के बाद से सबसे अधिक थे। इस पर अब विश्व में कई जगहों से प्रतिक्रिया सामने आई है। ब्लू लाइन पर बढ़ती स्थिति से गंभीर रूप से चिंतित हूं। मौत का आंकड़ा भी डरा देने वाला है। विस्थापन और गोलीबारी तथा हवाई हमलों के कारण बच्चों में मनोवैज्ञानिक संकट के खतरनाक स्तर की भी सूचना मिली है। इसमें तत्काल कमी लाई जानी चाहिए। हम शांति से रहना चाहते हैं, हम युद्ध नहीं चाहते हैं। यह इसराइल ही है जो इस व्यापक संघर्ष को पैदा करना चाहता है। हम किसी और से ज्यादा जानते हैं कि अगर मध्य पूर्व में कोई बड़ा युद्ध छिड़ जाता है, तो इससे पूरी दुनिया में किसी को भी कोई फायदा नहीं होगा। हमें लेबनान को इसराइल के हाथों दूसरा गाजा नहीं बनने देना चाहिए। हिजबुल्ला अकेले उस देश के खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता जिसका बचाव और समर्थन पश्चिमी देशों, यूरोपीय देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया जा रहा है। यूएनएससी से हस्तक्षेप करने का आह्वान किया है और लेबनान की संप्रभुता के किसी भी उल्लंघन की निंदा करते हैं। गाजा में युद्ध विराम के लिए प्रयास जारी है। संघर्ष को कम करने के लिए वैश्विक प्रतिक्रिया आनी चाहिए और इसराइल आक्रामकता दिखा रहा है। हम सुरक्षा परिषद द्वारा इसराइल की आक्रामकता को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता पर बल देते हैं। लेबनान में हो रहे घटनाक्रम पर बड़ी चिंता के साथ नजर रख रहे हैं और सभी पक्षों से अत्यधिक संयम बरतने का आग्रह करते हैं। लेबनान की संप्रभुता का सम्मान करने के महत्व पर जोर देते हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से क्षेत्र में तनाव कम करने में भूमिका निभाने का आह्वान करते हैं। लेबनान और इसराइल में चल रहे हवाई हमलों से बहुत चिंतित हैं। इसके आगे बढ़ने से और भी विनाशकारी परिणाम होने का जोखिम है। मैं दोनों पक्षों से तत्काल युद्ध विराम के लिए अपना आह्वान दोहराता हूं। मेरी टीम अपने समकक्षों के साथ लगातार संपर्क में है और हम इस तरह से तनाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे लोग सुरक्षित घर लौट सके। हिंसा, तनाव, बिना सोचे समझे की गई कार्रवाइयों और प्रतिक्रियाओं के खिलाफ अपना रुख दोहराते हैं, जो राज्य संबंधों और संप्रभुता को नियंत्रित करने वाले कानूनों की अवहेलना करती है। इसराइल की आक्रामकता की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। इसराइल पर कोई रोक टोक न होने, अंतर्राष्ट्रीय कानून के उसके लगातार उल्लंघन और उसकी निरंतर दंडहीनता के कारण उसके हमलों में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। यह वास्तविकता संकटों को बढ़ाती है, क्षेत्र को रसातल के कगार पर ले जाती है और इसे और अधिक तनावों के लिए उजागर करती है, जिसका क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा इस युद्ध को लेकर G7 देशों, यूरोपीय संघ, ग्रीस, फ्रांस, बेल्जियम, चीन ने भी चिंता व्यक्त की है। खासतौर पर इस युद्ध में बच्चों की मौत पर गहरा दुख जताया गया है। इन देशों ने जल्द से जल्द इस युद्ध को रोकने का आह्वान किया है।